टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। आज एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर पुनीत कालरा जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले कई सालों से आनंद हॉस्पिटल में मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। और इनसे हम पहले भी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बारे में काफ़ी जानकारी ले चुके हैं, लेकिन आज हम उसी सीरीज़ में इनसे जानेंगे ओरल कैंसर या फिर मुंह का कैंसर क्या होता है। सो डॉक्टर कालरा, फर्स्ट वाइट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीलोफर, और मैं अपने बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आज गुड मॉर्निंग करता हूँ और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे दोबारा फर्स्ट बाइट ने इनवाइट किया ओरल सर्जरी में, ओरल कैंसर के बारे में कुछ बताने के लिए। थैंक यू। तो आपने जैसे कि पहले बताया था मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बारे में बहुत सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी हमें, उसी सीरीज में आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ओरल कैंसर और मुंह का कैंसर क्या होता है, कैसे ये फैलता है। नीलोफर जी, आपने आज बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज पूछा है कि ओरल कैंसर क्या है। बेसिकली ओरल कैंसर मुंह के अंदर, मुंह से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसके कैंसर को हम ओरल कैंसर बोलते हैं। मसलन कि जैसे जीभ का कैंसर, होठों का कैंसर, या मुंह के अंदर जो हमारे चीक मिकोसा होता है, या दांतों के आसपास जो मसूड़े होते हैं उसके कैंसर को हम ओरल कैंसर कहते हैं। और इसका मुख्यतः कारण है अत्यधिक तंबाकू का सेवन। सेवन बोले तो सिगरेट से कम पर गुटखा खाने से ज्यादा होता है। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग ये इन सब चीजों का सेवन नहीं करते हैं, तंबाकू वगैरह का, उनको भी कैंसर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड मैं ये कहूंगा कि तंबाकू मसलन मेन कारण है मुंह के कैंसर का। इसके अलावा जो हमने देखा है कि कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के जो दांत होते हैं वो घिस जाते हैं और उनमें पैनापन आ जाता है, तो कई बार उससे चीक बाइट हो जाती है। ये बोले कि जो गाल होता है वो बार बार दांतों के बीच में आता रहता है, जिसका अगर मरीज ध्यान ना रखे और समय पे ठीक ना कराए तो वो जो जख्म होते हैं वो नासूर और धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। पर ऐसे केसेस 10% मिलते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर तंबाकू का सेवन ही मुख्यतः कारण पाया गया है ओरल कैंसर का। अच्छा, क्या ये जानलेवा भी होता है? जैसे कि बाकी कैंसर होते हैं जानलेवा होते हैं, ओरल कैंसर भी उनकी तरह जानलेवा है? कैंसर अपने आप में ही एक जानलेवा शब्द है। बीमारी ऐसी है कि अगर जिसका समय पे इलाज ना हो तो मृत्यु हो सकती है। अच्छा, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता करें कि हमें ओरल कैंसर है? जिन लोगों को भी ओरल कैंसर होता है उन्हें मुख्यतः तंबाकू का सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनका मुंह का जो मिकोसा होता है उसमें लचीलापन कम हो जाता है, मुंह धीरे धीरे बंद होना शुरू कर देता है, मुंह में सफ़ेद दाग या अल्सर होने शुरू हो जाते हैं, जो कि जनरली जो अल्सर्स होते हैं वो 15-20 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, मगर जो ओरल कैंसर जिनमें होगा उसमें अल्सर 3-4 महीने 6 महीने तक ठीक नहीं होगा और वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। मरीज परेशानी लेके यही आता है कि मेरे मुँह में अल्सर था और मैंने काफ़ी इलाज करी, काफ़ी दवाइयाँ खाई, पर ये अल्सर बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया मुंह के कैंसर और ओरल कैंसर के बारे में, तो ये किसी भी एज में हो जाता है या फिर कोई इसकी एज होती कि उसी एज में होगा? जनरली तो ये जब भी तंबाकू का सेवन जो लोग करेंगे उसी के बाद होता है। तंबाकू का सेवन करने के कम से कम जो हमने मिनिमम पाया है 6 महीना साल के बाद ही मिलता है, और 15 साल अभी तक हमने जिस मरीज का इलाज किया है जो सबसे कम उम्र का था वो 18 साल का था। तो एज सच तंबाकू जब खाना शुरू करेगा कोई उसके बाद ही ये बीमारी हो सकती है। अच्छा, ज़रूरी है कि अगर हम तंबाकू खा रहे हैं तो हमें ओरल कैंसर हो? कितने% तक आशंका रहती है कि हमें तंबाकू खाने से ओरल कैंसर हो जाएगा? 70-80%। अगर डिपेंड करता है कि पेशेंट तंबाकू के साथ साथ और किन चीज़ों का सेवन कर रहा है, उसकी न्यूट्रिशनल, उसकी जो बाकी सेहत है वो कैसी है, खान पीन कैसा है। पर ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं दिन में सपोज करो 8-10 पैकेट गुटखे के खा रहे हैं और पिछले 5-6 साल से खा रहे हैं, तो 70-80% चांसेस हैं कि उनको ओरल कैंसर होगा।
सो डॉक्टर पुनीत कालरा, जैसे कि आप बहुत एक्सपीरियंस भी हैं, आपने बहुत से इस तरह के जो मरीज हैं उनको ट्रीट किया होगा, तो कितने परसेंट उनमें से ठीक हो चुके हैं ओरल कैंसर के जो पेशेंट थे? मैं पिछले 5-7 साल से ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हुआ हूँ एंड हमने अब तक 50-60 मरीजों का सफल इलाज किया है। उसमें से मैं कह सकता हूँ कम से कम 80% लोग एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, उनका खान पीन पहले ऐसा हो चुका है 70%, और बाकी के कुछ मरीज ऐसे रहे क्योंकि वो हमारे पास काफ़ी लेट स्टेज में आए तो उनका ट्रीटमेंट उस हिसाब से नहीं हो सका जिस हिसाब से होना चाहिए था। अच्छा, तो किस किस एज के जो पीपल्स आपके पास आए, पेशेंट आए हैं, किस किस एज के आए हैं? कि यंग एज के ही थे सारे जो तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं या फिर उसमें ओल्ड एज भी रहे हैं? हमारे पास ज़्यादातर जो आए हैं मिडिल एज के आए हैं और कुछ प्रतिशत ऐसे भी हैं जो यंग एज भी है और जो ओल्ड एज के भी हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो ओरल कैंसर होता है ये ओल्ड एज को कम होता है? ऐसा नहीं कह सकते, इसका कुछ कहना मुश्किल ही है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर देखे जाते हैं, खान पीन देखा जाता है, डिपेंड ये करता है अगर खान पीन काफ़ी पुअर है और साथ में बंदा तंबाकू का सेवन कर रहा है तो ये बहुत जल्दी आपको हो सकता है, ओरल कैंसर जल्दी हो सकता है। खान पीन अच्छा है तो ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगा, मगर काफ़ी टाइम बाद होगा। अच्छा, अगर ये लास्ट स्टेज में अगर पहुंच जाता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है? फिर हम उस केस में ट्रीटमेंट एक्चुअली में जब अगर ज़्यादा फैल गया है तो ट्रीटमेंट का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। हम ट्रीटमेंट इसलिए कर रहे हैं कि हम पेशेंट को बेसिकली क्या बेनिफिट दे रहे हैं, अगर पेशेंट की हम लाइफ सुधार सकते हैं तब तो ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा है। हमें लगता है कि पेशेंट का हमने इलाज किया, कैंसर का सर्जरी करी, उसके बाद रेडिएशन दिया और पेशेंट ना चबा पाए ना खा पाए और बाकी के टाइम वो एक वेजिटेटिव स्टेट पे बिस्तर में पड़ा रहे, उससे अच्छा ये होता है कि पेशेंट को थोड़ा सा उसका पेन कम कर दिया जाए और जस्ट। अच्छा डॉक्टर कालरा, आप आनंद हॉस्पिटल में तो कार्यरत हैं, इसके अलावा आपका खुद का भी क्लिनिक है कालरा डेंटल क्लिनिक, तो आप उसमें भी इस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं? ऑपरेट करने के लिए तो मुझे आनंद जैसा ही एक बड़ा सेटअप चाहिए। क्लिनिक पे मेरे यहाँ हम जनरली पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, ज़्यादातर पेशेंट मेरे क्लिनिक से ही आए हैं। पेशेंट आता है कि मेरा मुंह कम खुल रहा है और या मेरे मुंह में कोई छाला है जो पिछले 6-8 महीने से ठीक नहीं हुआ, तब उन केसेस के अंदर मैंने बायोप्सी करी और पाया कि वहीं से मतलब कैंसर निकला, फिर समझाया गया और यहाँ पर हम पूरी अपनी एक टीम बनाकर प्लास्टिक सर्जन के साथ, ENT सर्जन के साथ हम इसका प्रॉपर इलाज करते हैं। अच्छा, तो एक तरह से कह सकते हैं आपका जो कालरा डेंटल क्लिनिक है वो परामर्श का केंद्र है? बिल्कुल, वहाँ पे हम बायोप्सी कर सकते हैं और एक कंसल्टेशन दे सकते हैं, पर इलाज के लिए तो हमें आनंद जैसा एक बड़ा सेटअप ही चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। सो जैसा कि डॉक्टर पुनीत कालरा ने बताया, ओरल कैंसर या फिर मुंह का कैंसर क्या होता है और कैसे कैसे ये फैलता है, क्या क्या इसके लक्षण है, सब कुछ सारी जानकारी आज उन्होंने हमें दी है। उन्होंने बताया कि तंबाकू जो है इसका मेन कारण है, तंबाकू को इसलिए आज ही छोड़ दीजिए। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।